इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रनिंग मॉडल है वो ये टेंडा का मॉडल है N301 डबल एंटीना। इसकी एक तो कॉस्ट भी कम है, ये आपका मोडेम राउटर है। मोडेम राउटर आप इस तरह कह लेंगे, आप PTCL के राउटर से अगर तांगे उसकी सर्विस से तो उसकी जगह आप ये रिप्लेस। फ्लिप सर आती हैं, सिंगल कोटेड में भी आती हैं, डबल कोटेड में भी आती हैं और कॉपर में भी आती हैं। वायरलेस कनेक्शन के लिए आप लाइट बीम और पावर बीम, ये दो चीज़ें जो है इस वक्त ज़्यादा। ये जो प्रोफेशनल टूल है ये आपको मिलेगा फाइनल 2000 रुपये का, और ये जो बॉसी टूल है ये 900 रुपये का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे है और आज हमने एक ऐसा रिव्यू इस वीडियो में शामिल किया है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और घरेलू यूज़र्स उनको अपने जो घर में और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करने होती हैं उन तमाम का रिव्यू इस वीडियो में पेश किया गया है, और उनकी कीमत और उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी बताई गई हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और आपका जो कमेंट होगा उसको हम वेलकम करेंगे। ईशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ईशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सुनाए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ईशान भाई सुनाएं, इस वक्त जो महंगाई का दौर चल रहा है उसके हिसाब से जो यूज़र फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली जो इंटरनेट की डिवाइसेज हैं जिसमें से राउटर्स हो गए, लाइट बीम्स हो गई, केबल्स हो गई, और अगर कोई बंदा इंटरनेट सर्विस का जो बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेज आपके पास अवेलेबल हैं और किस प्राइस में अवेलेबल है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं? एक तरतीब से शुरू करेंगे हम, पहले राउटर से शुरू करते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से राउटर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनकी तफसील बताइएगा, उसके बाद फिर आगे तरतीब। इंटरनेट का आपका काम है ये तो आपको पता है, एवर ग्रीन काम है। इसमें आपको कोई भी चीज़ है, जिस तरह के राउटर हो गए, कोई भी चीज़ है, ये तो आपको अब हर वक्त चलने वाला आइटम है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं, जिस तरह आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं इंटरनेट राउटर्स आ जाते हैं, इसमें रेंज एक्सटेंडर वाला फंक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें आपको इंटरनेट प्रोवाइडर जो है मुख्तलिफ आपको देते हैं, लाइट बीम वगैरह, पावर बीम वगैरह डिवाइसेस के साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। इस हवाले से तमाम चीज़ें हमारे पास। सर सिर्फ पहले राउटर की बात कर लेते हैं, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ के अंदर राउटर है जो लोग पसंद करते हैं, बजट फ्रेंडली भी है और जो यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा है, वो कौन सा राउटर है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रनिंग मॉडल है वो ये टेंडा का मॉडल है N301 डबल एंटीना। इसकी एक तो कॉस्ट भी कम है, दूसरा इसकी सर्विस क्वालिटी और इसको कन्फिगर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ये इस वक्त किस प्राइस में मिल रहा है? 2023 का लेटेस्ट प्राइस क्या है ये इस वक्त? इसकी लेटेस्ट प्राइस 2800 रुपये है। 2800 इसकी प्राइस भी थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि पीछे आपको पता है फ्यूल डॉलर की वजह से प्राइसेस हर आइटम की जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जी ठीक हो गया ईशान भाई। टेंडा के बाद अगला जो नेक्स्ट राउटर जो उसके नज़दीक तरीन की नज़दीक तरीन है वो हमारे पास आ जाता है मर्क्यूसस का। ये इसमें डबल एंटीना भी आता है, ट्रिपल एंटीना भी आता है और चार एंटीनों वाले भी आते हैं। और इसके बाद अगर आप जाएं थोड़ा सा इससे अप और थोड़ी क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए हो किसी भी कस्टमर को, तो उसमें हमारे पास डबल एंटीना भी आ जाता है टीपी लिंक ब्रांड का, ठीक है। और टीपी लिंक में ट्रिपल एंटीना इसमें इससे ऑनवर्ड हैवी भी आते हैं। इनकी प्राइसेस बताते जाइएगा प्लीज़। ये जो है मर्क्यूसस का राउटर है, और स्पेशली प्राइस स्पेशली मेंशन ज़रूर करना है क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं वो लाजमन प्राइस हर सूरत पूछते ही हैं। जी जी, जो अपने प्राइस बजट देख के उस हिसाब से वो जो प्रोडक्ट होती है उन्होंने डिसाइड करनी होती है। ऐसा ही है, जो मर्क्यूसस का ये वाला ट्रिपल एंटीना वाला मॉडल आता है ये 3100 रुपये का आता है, ठीक है। इसके अलावा टीपी लिंक का ये जो मॉडल है इसका लेटेस्ट प्राइस 3800 रुपये आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें तीन एंटीनों वाला टीपी लिंक आ जाता है, ये 5000 रुपये की प्राइस। ये जो अच्छे यूज़र जिनको स्पीड ज़्यादा हैवी चाहिए होती है इंटरनेट की और जो गेमर्स होते हैं स्पेशली उनके लिए इस किस्म का राउटर बेस्ट रहेगा। ये 450 Mbps तक की जो है ये स्पीड जो है सपोर्ट करता है ये। इसके साथ आगे एक राउटर पड़ा हुआ है, ये भी टीपी लिंक का है, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में है, ये इसकी क्या प्राइस है सर? वीडियो में आगे चलने से पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये आपका मोडेम राउटर है। मोडेम राउटर आप इस तरह कह लेंगे, आप PTCL के राउटर से अगर तांगे उसकी सर्विस से तो उसकी जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। ये PTCL के साथ भी यूज़ हो सकता है और आम जो इंटरनेट जो इंटरनेट लगा हुआ है उसमें भी यूज़ हो जाता है। बिल्कुल। इसकी प्राइस सर क्या बताइए आपने? ये 5000 रुपये का। ये 5000 में है, अच्छा। इसके साथ और इंटरनेट के हवाले से जो लाइट बीम्स और पावर बीम्स आपके पास पड़ी हैं उनकी ज़रा। इसमें सर इन दिनों वायरलेस कनेक्शन के लिए आप लाइट बीम और पावर बीम, ये दो चीज़ें जो है ना इस वक्त ज़्यादा चल रही हैं। लाइट बीम थोड़ा अगर रेंज आपको कम चाहिए और पावर बीम अगर सिग्नल स्ट्रेंथ दूर तक चाहिए तो उसके लिए पावर बीम भी यूज़ हो रही है।
जी बिल्कुल, ज़्यादातर ये जो है ये सिंगल यूज़र के लिए यूज़ होती है और कम इंटरनेट जो होता है एक बंदे को चाहिए होता है। जी जी। और ये पावर बीम की जो है ये हैवी नेट लेके आती है। इन दोनों की प्राइस क्या चल रही है इस वक्त? सर इसकी लेटेस्ट कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी तेज़ हुई हुई है। ये इसकी लेटेस्ट आपको 35 मिल रही है और ये वाला आपको जो लेटेस्ट लाइट बीम की है 17 मिल रही है। 17,000 जी। और अगर हमारे रेफरेंस से अभी आपका नंबर भी शेयर करेंगे हमारी वीडियो के अंदर, आपका नंबर भी दिया जाएगा, आपकी शॉप का कॉन्टैक्ट भी दिया जाएगा, तो कोई अगर आपसे TCS पार्सल मंगवाना चाहता है तो बिल्कुल उसमें हम देंगे आपको। TCS वाली सहूलत भी हम ऑल ओवर पाकिस्तान देते हैं। उसके अलावा अगर किसी किस्म का आपके रेफरेंस से कोई भी बंदा आता है आपके रेफरेंस से, आपके चैनल के रेफरेंस से, उसको डिस्काउंट भी हम लाजमी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दिशान भाई। उसके साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कुछ टूल्स भी रिक्वायर होते हैं और जो वायरलेस के लिए, वायरलेस के अलावा जो तार होती है वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं और जो कनेक्टर्स वगैरह पड़े हैं, ये इनकी थोड़ा प्राइस और इनकी स्पेसिफिकेशंस बता दीजिएगा। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड के, जिस तरह ये नेट लिंक के हो गए, बे नेट वगैरह के हो गए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका होता है Cat6 केबल्स के लिए, जो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको Cat6 केबल के थ्रू कनेक्शन देते हैं या आगे मज़ीद अपने कनेक्शन आगे बढ़ाना है या किसी और को प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको ये चीज़ रिक्वायर होती है। इसमें पंचिंग टूल होता है जो आप इनको क्लिप करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। इनके प्राइस काइंडली बता दीजिएगा साथ साथ। ये जो बे नेट वाला इस वक्त बॉक्स आ रहा है 1800 रुपये का आ रहा है, नेट लिंक वाला आ रहा है ये 600 रुपये का आ रहा है। इन दोनों में कितने कितने कनेक्टर्स होते हैं? इनमें 100 पीस का एक दो पीसेज होते हैं। और ये जो क्रिम्पिंग टूल्स पड़े हुए हैं, जी जी, ये इन दोनों के अंदर फर्क है? ये देखें, ये अलग नज़र आ रहा है और ये वाला अलग नज़र आ रहा है। जी, ये अगर आपने सिंगल यूज़र, अगर या इतना हैवी वर्क नहीं है, हैवी लोड नहीं है, तो उसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हैवी लोडेड वर्क है उसके लिए आप प्रोफेशनल टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों की प्राइस? ये जो प्रोफेशनल टूल है ये आपको मिलेगा फाइनल 2000 रुपये का, और ये जो बॉसी टूल है ये 900 रुपये का। ठीक हो गया, दोनों की क्वालिटी अच्छी है। सही है। इसके साथ हमारे पास कुछ Cat6 केबल्स के जो बॉक्सेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसकी प्राइस और जो इसकी जो खास मखसूस जो इसकी फ़र्क है इनके अंदर? इनमें अभी कस्टमर के यूज़ पे, अगर उसने इंडोर यूज़ करनी हो सिंगल आपकी कोटेड भी यूज़ हो जाती है, आउटडोर में अगर प्राइस कम चाहिए हो तो डबल कोटेड यूज़ होती है, और अगर आउटडोर इंडोर में अगर आपको कस्टमर को चाहिए प्योर कॉपर वाली तो कॉपर भी हमारे पास अवेलेबल है। जो कॉपर वाली होती है उसकी स्पीड भी अच्छी मिल जाती है? कॉपर में स्पीड, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता। जो सिल्वर है जो मिक्स होती है तार, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे स्पीड थोड़ी कम होती है। जो बेसिक गेमर्स या जिनका हैवी लोड वर्क है वो प्योर कॉपर में केबल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और ये जो पड़ी हुई है इस वक्त ये खुली हालत में, ये मिक्स वाली है? जी ये मिक्स वाली है, लेकिन ये तार का गेज अच्छा है, 50 गेज है और ये डबल कोटिंग के अंदर है। ये वेदर की, ये वेदर प्रूफ है, आउटडोर यूज के लिए जबरदस्त केबल है। इसका पूरा बंडल, कितनी वायर होती है इसमें और प्राइस क्या है इसकी? इस पूरे बंडल में 305 मीटर होती है, 1000 फुट होती है। सही, अगर फुट में कहें तो 1000 फुट होती है। बाकी केबल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। और ये पूरा बंडल इस वक्त किस प्राइस में मिल रहा है? ये 8500 का मिल रहा है। इसमें जो सिंगल कोटेड है वो 5500 रुपये का मिल रहा है, फिर जो प्योर कॉपर आती है ये 25000 रुपये का रोल है। ये शनाइडर ब्रांड का है और ये गालबन, ये गीगाबिट केबल होगी, 100 MBPS वाली होती है ये। अच्छा जीशान भाई, इसके साथ यहाँ पे आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और भी एसेसरीज मुझे नज़र आ रही है, जिसमें कंप्यूटर्स, IP कैमराज और भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके बारे में बता दीजिएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जी सर, हम इसके अलावा ख़रीदना चाहता है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं TCS के ज़रिए भी, और अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर इसको देखना चाहता है कि IP कैमराज वगैरह और जो CCTV कैमराज हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो बताइएगा आपके पास IP कैमराज में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? जी सर, हमारे पास इसके अलावा जो वैरायटी है, हम CCTV कैमराज में भी डील कर रहे हैं, उसके अलावा हम एसेसरी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एसेसरीज भी कर रहे हैं, उसके अलावा स्पीकर्स वगैरह, अडोनिक, स्पेस, मुख्तलिफ ब्रांड के स्पीकर्स भी हम डील कर रहे हैं, उसके अलावा लैपटॉप और प्रिंटर्स को भी हम डील कर रहे हैं। ये एक IP कैमरा को दिखा दें अच्छा सा, जो अगर आप कोई यूज़र लेना चाहता है जिसने वाईफाई के साथ कनेक्ट करना हो। जी, हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं ये सर, मोबाइल ऑपरेटेड जो कैमराज होते हैं ना, जो वाईफाई के थ्रू आपके मोबाइल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ये वो वाले कैमराज हैं।